मुजफ्फर जिले के कांटी प्रखंड कार्यालय पर कांटी प्रखंड के मधुबन पंचायत के वार्ड नंबर 13 और 6 के लोगों ने वितरण में हो रही लापरवाही और अधिक दूरियों पर डीलर के द्वारा की जा रही राशन वितरण को लेकर लोगों ने आक्रोशित होकर प्रखंड मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए कहा कि हम लोगों को पहले पास से ही राशन वितरण होता था, लेकिन डीलर की मृत्यु होने के बाद अब दूसरे डीलर को प्रशासन के द्वारा दिए जाने के बाद अब करीब 5 किलोमीटर की दूरी से राशन लाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बाढ़ जैसी स्थिति के बीच रास्ते में एक नदी भी है, उसको भी पार करना पड़ता है। इस बात को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में मतलब समस्या है कि कोई नेता यहाँ सुनता नहीं है। यहाँ का जो स्थानीय नेता है अशोक चौधरी, आज तक जीत के गए हैं और 5 साल में यहाँ का कुछ विकास किया नहीं। बाढ़ से यहाँ का जो ग्रसित है अपना दादर कुलवा ये सब ग्रसित है, सापापुर यहाँ देखने के लिए कोई नेता नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग अधिकार पर जन अधिकार पार्टी इसके लिए विरोध आंदोलन करेंगे और इस समस्या को लेकर के हम जिला से लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जिला तक हम अपने जन अधिकार पार्टी को सहयोग, जन अधिकार पार्टी के सहयोग से हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। वहीं इस हंगामा को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी उमा भारती ने कहा कि इन लोगों की समस्या को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष रखने का काम करेंगे। आसान के उनको जो डीलर से जो मिलता है उसकी घर से दूरी 300 मीटर दूरी है, इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं नजदीक के डीलर में मेरा नाम चला जाए, वहाँ से मैं वार्ड नगर पंचायत का जो है अभी आया है, जब इसी में हम लोग बात करेंगे डीएम साहब से, जैसा उनका निर्देशन था वैसा हम लोग। वहाँ मौजूद राजद के पूर्व प्रत्याशी नेता हैदर आजाद ने कहा कि लोगों की समस्या जल्द ही नहीं दूर होता है तो हम लोग आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। काही मधुबन पंचायत कांटी प्रखंड के जी काही मधुबन पंचायत के 13 नंबर, 6 नंबर और 6 नंबर वार्ड के जनता लोग आया हुआ है, गोपालपुर गाँव से लोग आया हुआ है। इन लोग के राशन कार्ड में गड़बड़ी है, भारी गड़बड़ी। उसके बाद इन लोगों को नया कार्ड जो दूसरे जगह दे दिया गया है वहाँ ना पसंद है, वहाँ किलो भी कम दे रहा है, वजन भी कम दे रहा है, पैसा भी ज़्यादा ले रहा है, दाल भी नहीं दिया है। जो सब जनता लोग आपको बताया है, मैं 3 किलोमीटर के दूरी है, तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन सभी लोगों को समस्या के सुन के जो नज़दीकी डीलर हो उनमें इनको टैग किया जाए, जो कमी वजन है वो कमी नहीं दिया जाए, जितना है वजन पूरा दिया जाए, दाल दिया जाए, और भी एक भी कोई जन वितरण प्रणाली के दुकान नहीं है जहाँ 100 से लेकर 200 लाभुक वंचित है। नया जो कार्ड बना है उसमें भारी घोटाला है, कहीं ठीक नहीं है। 5 आदमी के कार्ड में 1 आदमी का नाम आ रहा है, डीलर के यहाँ जा रहा है, वो लगा रहा है अंगूठा, बोल देता है नॉट एग्जिस्ट, सारे लोग परेशान है, डीलर भी परेशान है, लाभुक भी परेशान है, हम लोग के यहाँ फोन आता है। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।